नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नूडल्स भेल कैसे बनाए जाते हैं वो बताने जा रहे हैं। नूडल्स भेल बनाने के लिए हमने सबसे पहले नूडल्स को उबाल लिया है। उबालने के बाद इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करके इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए सूखने रखना है। इसके बाद जो है हम इनको फ्राई करेंगे जब ये ड्राई हो जाएंगे। नूडल्स देखिए हमारे अब ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। नूडल्स भेल बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटी गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, हरा प्याज, हरी मिर्ची, शेजवान सॉस जो कि मैंने पतली कर ली है, सोया सॉस और नमक। तेल हमारा गर्म हो चुका है ये। अब इसमें हम जो है ये नूडल्स फ्राई कर लेते हैं। धीमी आंच में ही रखना है। ये देखिए नूडल्स फ्राई करने के बाद इस तरह हो गए हैं। अब मैं जो हूँ इसमें डाल के सबको मिक्स करूंगी। नूडल्स में ये सब चीजें मिक्स करनी है। ये प्याज चला गया, गाजर मिक्स हो गई, शिमला मिर्च मिक्स हो गई, टमाटर, पत्ता गोभी और हरी मिर्च। इसको हल्के हाथों से चला लेना है। इसके बाद मैंने डाला इसमें 2, 3, 4 टीस्पून सोया सॉस, 1, 2, 3, 4 टीस्पून शेजवान सॉस, टेस्ट अनुसार सॉल्ट, थोड़ी सी टोमेटो सॉस, चिली सॉस और आखिरी में इमली की चटनी। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इन सबको जो है हल्के आटे से मिक्स कर लेना है। आपकी नूडल्स भेल तैयार है। आप खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। ये लीजिए आपकी चटपटी नूडल्स भेल तैयार है। एंजॉय करिए।